क्या आपने भी ये सोचा था कि आयरन मैन रॉबर्ट डाउनी है? फिर इस सीन में हमें टॉम क्रूज आयरन मैन की तरह एक्शंस करते हुए क्यों दिख रहे हैं? अब इस पेंटिंग को देखिए। इसे देखकर आप ये सोच रहे होंगे कि इस पेंटर ने किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल करके या फिर कितने स्ट्रोक्स में इस पेंटिंग को बनाया होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पेंटिंग और ये वीडियो एक मशीन ने बनाया है, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मशीनों में इतनी रचनात्मकता या क्रिएटिविटी लाने के पीछे जनरेटिव एडवर्सेरियल नेटवर्क्स या GANs जिम्मेदार हैं। अब तक आपने मशीनों को फेस स्कैन करते हुए, भाषा समझते हुए या कई तरह के रोबोटिक प्रोसेसेस में देखा है, लेकिन GANs ने ये साबित किया है कि मशीनों में भी इंसानों जैसी क्रिएटिविटी लाई जा सकती है। GANs को पहली बार इयान गुडफेलो ने 2014 में इंट्रोड्यूस किया था और आज GANs इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि उसके द्वारा बनाए गए आर्ट बड़े से बड़े पेंटर्स के द्वारा बनाए गए आर्ट से भी ज़्यादा कमाते हैं। तो आइए देखते हैं कि GANs आखिर काम कैसे करते हैं। GANs में दो मुख्य नेटवर्क्स होते हैं, जनरेटर और डिस्क्रिमिनेटर। यहाँ देखा जाए तो एक जनरेटर लेयर रैंडम इनपुट को लेकर एक सेंसिबल आउटपुट बनाने का प्रयास करता है। जनरेटर के आउटपुट को डिस्क्रिमिनेटर क्लासिफाई करता है कि ये ओरिजिनल है या फेक। डिस्क्रिमिनेटर के आउटपुट से जनरेटर और भी एक्यूरेट होने की कोशिश करता है, जिसके लिए ये बैक प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करता है। जनरेटर अगर फेक को ओरिजिनल बनाने का प्रयास करता है, तो डिस्क्रिमिनेटर इसके बिल्कुल विपरीत जनरेटर के प्रयासों को विफल करने की कोशिश करता है। इन दोनों नेटवर्क्स के जंग में GANs की कमियां घटती जाती है और एक्यूरेसी बढ़ती जाती है। जैसे कि इस पेंटिंग को देखिए, क्या ये पेंटिंग आपको जानी पहचानी लग रही है? क्योंकि ये दा विंची और रवि वर्मा के फेमस पेंटिंग्स का एक मिश्रण है। इस तरह के स्टाइल ट्रांसफर्स GANs की एक विशेषता है। लेकिन GANs ऐसा कैसे कर पाते हैं? एक जनरेटर नेटवर्क कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, बैच नॉर्म और रेलू जैसे एक्टिवेशन फंक्शंस का समूह है। जब एक इनपुट जनरेटर नेटवर्क से गुजरता है, वो इन सभी प्रोसेसेस से निकलकर इसकी एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयत्न करता है। और GANs की दूसरी तरफ डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क दो तरह के इनपुट्स को लेता है, एक जो रियल डेटा से आता है और दूसरा जनरेटर के आउटपुट से। डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क इन दोनों इनपुट्स के बीच के अंतर को पहचानने की कोशिश करता है और डिस्क्रिमिनेटर नेटवर्क भी जनरेटर नेटवर्क की तरह बैक प्रोपोगेशन का इस्तेमाल करके अपनी एक्यूरेसी बढ़ाने का प्रयत्न करता है। GANs का प्रचलन पिछले कुछ सालों में काफ़ी बढ़ गया है, जैसे कि एनक्रिप्शन सर्विसेज से लेकर पेंटिंग्स तक GANs का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन GANs डीप फेक्स जैसे अवांछित कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या GANs का प्रयोग यहीं तक सीमित है? क्या अगले वर्ल्ड वॉर का कारण एक डीप फेक हो सकता है? GANs और क्या क्या कर सकता है, ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आपके कोई सुझाव और शिकायत हो तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।